नमस्कार, मैं सोनाली राज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची में भी रैली निकाली गई थी। रैली निकाल कर लोगों को बढ़ चढ़कर सहयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची में राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी के द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सीपी सिंह, डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हरेंद्र कुमार सिंह समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। आइए देखते हैं जीएन भारत से दिव्या रानी के ये रिपोर्ट। मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। मैं मौजूद हूं जहां पर राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि लोगों की क्या प्रक्रिया है। इसमें काफी मध्यस्थ लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी भीड़ है। सर, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में लोगों का समर्पण, आर्थिक समर्पण, शारीरिक समर्पण, मन से समर्पण, तन से समर्पण, इसके लिए राम भक्त लोग निकले हुए हैं और सारे लोग स्वेच्छा से, उत्साह से राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि दे रहे हैं। सभी लोगों को बुला बुला कर दे रहे हैं, घर में आकर दे रहे हैं कि भाई हम राम मंदिर में मेरा भी एक ईंट लगे, ताकि मुझे भी लगे कि मैंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान एक ईंट के रूप में दिया। क्या लगता है सर, झारखंड में कितना सर कुल राशि जमा हो सकता है निर्माण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए? अब देखिए, ये तो अब हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग जो घूम रहे हैं तो लोगों में जो उत्साह, उससे निश्चित रूप से लक्ष्य लगा है कि झारखंड में भी एक अच्छी राशि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए जाने वाला। कार्यक्रम का सर मुख्य उद्देश्य क्या है, आप लोग ये निकाल रहे हैं? देखिए, वर्षों का जो सनातन धर्म का मांग था कि राम लल्ला का विशाल मंदिर बने, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने रास्ता खोला है और आज ट्रस्ट के माध्यम से राम मंदिर का निर्माण का शिलान्यास हुआ। पूरे देश की जनता और प्रत्येक घर में जाने का कार्यक्रम हम सब लोगों ने बनाया है और उसी क्रम में आज हम यहाँ पिस्का मोड़ के आसपास प्रत्येक घर, प्रत्येक दुकान जा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि हर एक लोगों को राम मंदिर से जोड़ा जाए। पैसे का कोई महत्व नहीं है कि 10 दें कि 1000 दें, लेकिन प्रत्येक लोगों का अंश वहाँ लगे, जिससे कि सबको लगे कि राम मंदिर में हम सहयोग करता है, यही उद्देश्य है। सर, जैसे कि अभी हेमंत सोरेन का सरकार चल रहा है, सर उनके कार्यों पर सर आप कुछ कहना चाहते हैं? हेमंत सोरेन जी की जो सरकार चल रही है, अब उस विषय पर बोलना तो बहुत लंबी दास्तान है। विकास के कार्य रुक गए हैं और मुझे लगता है कि झारखंड का ट्रैक ही अलग रास्ते पर चला गया है। अनुरोध यही है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार है तो जनता के लिए तत्पर रहना चाहिए, और अगर नहीं रहेंगे तो आने वाला दिन उनके लिए अच्छा ना रहेगा। जैसे पेट्रोल का दाम सर दिन वो दिन बढ़ते जा रहा है सर, तो और भी चीज़ों का दाम बढ़ रहा है सर, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पेट्रोल का दाम बढ़ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मोदी जी अब इसमें लग गए हैं, 4 दिन पूर्व उन्होंने बैठक बुलाई है, अब मैं समझता हूँ कि इसका हल जल्द निकलेगा। श्री राम जन्मभूमि पर अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके लिए प्रत्येक घर में हम लोग घूम रहे हैं और लोगों से समर्पण राशि का अनुरोध कर रहे हैं। जो स्वेच्छा से जितना दे रहा है उतना राशि हम लोग ले रहे हैं और उसके बदले उनको कूपन और रसीद दे रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें जीएन भारत पर। धन्यवाद।